मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं मुमरा के शिमला पार्क के पास में खड़ा हूँ। बता दें आपको कि मुमरा में जिस तरह से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं विकास, तो इतने ज़्यादा विकास हुए हैं लेकिन वो विकास देखने को आज तक मिले नहीं। वह उसी विकास को देखते हुए हम मुमरा का एक और विकास आपको दिखा रहे हैं जो हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया है। इस वीडियो में हम आपको ये विकास दिखा रहे हैं कि यहाँ के जो भी नेता हैं उनका ये कहना है कि मुमरा के अंदर एक भी खड्डे नहीं हैं पिछले 15 सालों में। लेकिन ये मैं वीडियो आपको आज की दिखा रहा हूँ कि किस तरह से अमृत नगर, दाबोलकर, स्टेशन रोड या स्टेशन का ब्रिज या फिर जो है खड़ी मशीन रोड, इन सारी जगहों पर कितने गड्ढे हैं आप देख सकते हैं। बता दें आपको कि खड़ी मशीन रोड के बाबा फखर रहमतुल्ला अलैह का जो रोड गया हुआ है उसके आगे ही यहाँ के विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू का आवाज़ भी है और डेली विरोधी पक्ष नेता जो है उसी रास्ते से अपने ऑफिस जाते हैं, अन्य काम के लिए जो है वो वहाँ से जाते हैं। लेकिन क्या उनको वो खड्डे नहीं दिखाई देते? हो सकता है कि उनको वो खड्डे इसलिए ना दिखाई देते हों कि लग्जरी गाड़ी में बैठने के बाद खड्डों का एहसास नहीं होता है। तो हम आपको मुमरा के वो खड्डे दिखा रहे हैं जो विकास के रूप में आपके सामने दिख रहा है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के युवा नेता सलमान रिजवी। हम उनसे भी बात करेंगे खड्डों को लेकर के, उनका क्या कहना है वो हम आपको दिखाते हैं। सलमान भाई, जिस तरह से मुमरा के अंदर बड़े बड़े दावे हुए विकास को लेकर के कि हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, खास करके सबसे बड़ा विकास जो है वो रोड का है, रोड पे जो खड्डे हैं उनका विकास, ये बताया जाता है कि मुमरा में एक भी खड्डे नहीं दिखेंगे, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सर्वे कर लीजिए ना सर, आप मुमरा स्टेशन से नहीं, रेती बंदर से सर्वे करें और यहाँ वाई जंक्शन तक खाली खड्डे ही मिलेंगे, रोड तो मिली नहीं हमको। जो रोड के पैसे आए थे सब उन्हें खा पी के बैठ गए। आप सर्वे करें और लोगों, जनता से पूछें, मेरे से मत पूछें, आप जनता से पूछें कि सही मायने में काम किया गया है कि नहीं नगर सेवकों ने अपने अपने इलाके में। और मैं तो समझता हूँ कि सारे नगर सेवक का काम एक आमदारी तो कर रहे, और इत्तेफाक की बात ये वो आमदार मंत्री बन गया, तो कमाल इस बात का है जब नगर सेवक कैपेबल नहीं है वार्ड के अंदर काम करने के लिए तो उसको जिता के क्यों दिया जा रहा है। सोच बदले, ये उन्होंने कहा था कि सोच बदले मुमरा बदलेगा, लेकिन अब मैं बोलूँगा कि अब नगर सेवकों को बदलें तब आपका वार्ड और आपका शहर बदलेगा। सर, मुमरा के अंदर जब इलेक्शन पीरियड आ रहा है तो ज़्यादातर वैक्सीन के जो है कैंप लगाए जा रहे हैं, ना कि खड्डों को लेकर के या यहाँ के हॉस्पिटल को लेकर के किसी तरह की आवाज़ उठाई नहीं जा रही है। आपसे सवाल पूछने का ये रीज़न है कि आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, सर आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। नहीं, वैक्सीनेशन तो देखिए प्रायोरिटी है, क्योंकि लोगों, आजकल का जो माहौल है कोविड पेंडेमिक जो चल रहा है उसके तरीके से ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुमरा शहर में दो होना चाहिए हब जहाँ पे वैक्सीनेशन लगी। लेकिन अब तो ये हो गया कि जितने नगर सेवक सब अपने अपने लेटरों पे अपने अपने घरों वालों को ही लगा रहे, जनता तो पीछे ही रह जा रही। तो वैक्सीनेशन तो ठीक है, चलिए वो एक मुद्दा नहीं है, वो समाज के लिए, लोगों के लिए तो लगाना चाहिए, लेकिन इसको देखते हुए मैं तो ये समझता हूँ इलेक्शन आ रहा है अब तो काम करके दे दो, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे इन लोग रखे रहते हैं जब इलेक्शन ड्यूरेशन आता है उसके दो चार महीने पहले काम करना शुरू करते हैं, तो आप करके देते पब्लिक का काम। सर, हमारे यहीं के एक अध्यक्ष का भी ये कहना था कि मुमरा जो है वो फॉरेन कंट्री के बेस पे खड़ा हो गया है, जैसे शंघाई और सिंगापुर के बेस पे खड़ा हो गया है। तो सर क्या कहेंगे आप, मुमरा कहीं से शंघाई या सिंगापुर दिख रहा है? उनके लिए होगा शंघाई, हमारे लिए तो मुमरा ही है। उनका ही कहना है कि रशीद कंपाउंड का हीरा नंदानी हो गया है। ऐसा नहीं है, वो समझ रहे कि दो चार बिल्डिंग बना के वो मुमरा को शंघाई बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ जिनकी छतें गिरी जा रही है, जो चालियाँ बनी वो टूटी जा रही है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है कि उनको शिफ्ट करवा के धोखादायक साबित करके उनको अच्छी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, उस पर काम नहीं हो रहा। सिवाय अपनी बिल्डिंग बनाने के अलावा अपने छेलो चपाटे को किस तरीके से उनका घर चलाया जाए ये सोचते हुए अपना ही घर इन लोग चला रहे, दूसरों का नहीं चला रहे। मुमरा के इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर ली जाए, कुछ लीगल नहीं है सर, सब इलीगल है। इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर ली जाए कि जिस तरह से मंत्री जितेंद्र अवार ने जो है बीच में एक बाइट दिया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा तो आप हमें फ़ोटो भेज दीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात जो है झूठी होती जा रही है, इस पर क्या कहें? आपकी हुकूमत कम पड़ गई है क्या?
अभी खाली पब्लिक का यही काम रह गया क्या, कहाँ इलीगल बन रहे हैं उनको फोटो भेजा जाए, हम आपसी दुश्मनी करें, आप अपना साइड में बैठे, आपके सरकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनको आदेश दो, पुलिस है इस पे काम करने के लिए, पुलिस को बोलो, जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? आने वाले इलेक्शन को लेकर के क्या कहना है? कुछ नहीं, इलेक्शन के लिए कुछ नहीं कहना है, 2022 के अंदर राष्ट्रवादी बिल्कुल ख़त्म करेंगे हम लोग, कांग्रेस की पूरी कोशिश है और कांग्रेस ने बिल्कुल निर्णय लिया है कि 2022 में अलायंस नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ रही तो हम MIM के साथ भी कर सकते हैं, शिवसेना के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष नाना बाबू पटोले ने और थाने जिला अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है। इलेक्शन को लेकर के मुमरा की आवाम से तो क्या मैसेज है? मुमरा की आवाम से यही कहना है कि आज तक खाली तकलीफ उठाते हुए आए हैं, अगर आप चाहते हैं आपका मुस्तकबिल और आपके बच्चों का करियर अच्छी दिशा में जाए तो NCP को छोड़ के कांग्रेस का साथ दें, जो ऐसी पार्टी है जो 70 साल का इतिहास था कांग्रेस का, और आने वाले वक्त में मुमरा को संगाई उन्होंने बोला था लेकिन बना के हम दिखाएं।